नमस्कार। ग्वालियर लोकसभा सीट पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए मतदान केंद्रों में वोटिंग के लिए लोग कतार में लगे दिखाई दे रहे हैं। पहली बार मतदान करने के लिए युवाओं में जोश भी दिखा। कोई अपने माता-पिता के साथ वोट डालने के लिए पहुंचा तो किसी ने खुद ही बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुछ जगह पर दिव्यांग और बुजुर्ग भी अपने मताधिकार का उपयोग करने उत्साह के साथ पहुंचे। युवाओं का बस यही मुद्दा था कि जो सरकार बने उसे शिक्षा और रोजगार की चिंता करनी चाहिए। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अब सरकार का दायित्व तो है कि वो भी युवाओं की मांगों को पूरा करे। बहुत अच्छी व्यवस्था है प्रशासन की। नहीं, उन्होंने सपोर्ट किया ले जाने में, जो पुलिस के प्रशासन के लोग थे। क्या तकलीफ है आपको? मेरे पैर में फ्रैक्चर है, एक्सीडेंट हो गया था। अधिकार है वो तो, वोट तो सबको डालना चाहिए। एक एक वोट की कीमती है, वोट तो सबसे पहला अधिकार है। मैं आज सही 6 बजे आ चुका था। पहले बोले कि सही 7 बजे चालू हो जाएगी। हम खड़े रहे, लेन लगा ली और हमारे साथ के जो आगे लगे थे चले गए थे। हम 3 व्यक्तियों से पीछे लगे थे बस। और फिर बोले 7 बजे हमने कहा बोलिंग चालू होगी। मैंने खींच करो सुबह ही 7 बजे अंदर है, 22 थे वो है नया पूरा क्या मशीन खराब हो रही है। सही हो रही है, सही हो रही है। कम से कम 250 आदमी लौट गया। नहीं ठीक रही, अच्छी रही। वोट सबको डालना चाहिए। वोट का मुख्य अधिकार है लोगों को। कॉलोनी से पास में दूसरे क्या से जगह का नाम क्या है? ये है नवीन शिक्षा नगर। वो तो नहीं है, बस चल जाएगा वैसे। मतदान जरूरी है? हाँ मतदान जरूरी है। अच्छा लग रहा है एकदम। किस जगह वोट डालोगे? न्यू कॉलोनी से शिक्षा नगर। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि हर नागरिक को देना चाहिए वोटिंग में तो। अरे यहाँ पर बोल रहे हैं कि 22 नंबर मशीन, वो भाई 22 नंबर पे मशीन खराब हो चुकी है और यहाँ पर बहुत देर से लाइन में लगे हुए हैं, काफी देर से। दुकान खोलनी है हमें, दुकान के लिए, दुकान के लिए भी समस्या हो रही है। सुबह के टाइम पे यहाँ बोल रहे हैं मशीन खराब, कब तक लाइन में लगे रहेंगे? सुबह से बोल रहे हैं 6 बजे से। ये वार्ड नंबर 49 का आएगा, 17 ग्वालियर, ग्वालियर 17 दक्षिण विधानसभा। सियासी हलचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।